गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज से जम्मू कश्मीर की सीमा से लगने वाले अग्रिम इलाकों के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने सांबा में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के एक शिविर में नए ऑफिसर्स मैस का उद्घाटन किया। इस दौरान गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार के लिए पाकिस्तान को कदम उठाने होंगे। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान और चीन के साथ बेहतर संबंधों के लिए जताई भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर के पुंछ में नियंत्रण रेखा पर फ्लैग मीटिंग हुई। दोनों पक्षों के फील्ड कमांडरों के बीच हुई इस बैठक में सीमा पर शांति कायम करने के तौर तरीके पर चर्चा हुई। इस बीच गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच इस महीने पहले संपन्न डीजी स्तर की बैठक के बाद फ्लैग मीटिंग आयोजित की गई है। इस तरह की बातचीत की प्रक्रिया जारी रहने से दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली के अवसर बढ़ते हैं। आरक्षण को लेकर चल रही बहस के बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि भाजपा अनुसूचित जाति, जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को जारी रखने के पक्ष में है और इस मुद्दे की समीक्षा की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही भाजपा ने अन्य वंचित समूहों को आरक्षण देने के मामले पर भी सुझाव आमंत्रित किए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विश्वास व्यक्त किया है कि दुनिया भर में व्यापार की दृष्टि से अनुकूल माहौल वाले देशों में भारत विश्व बैंक की अगली रैंकिंग में बेहतर स्थान हासिल करेगा। कारोबार करने के लिए भारत में माहौल को और आसान बनाने के लिए उन्होंने और सुधारों का भी वादा किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने 6 महीने के भीतर विवाद निपटान के लिए एक नया कानून तैयार किया है। उच्चतम न्यायालय ने उस जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया जिसमें केंद्र सरकार को सुभाष चंद्र बोस से संबंधित गोपनीय दस्तावेजों का खुलासा करने का आदेश देने की मांग की गई थी। पीठ ने याचिकाकर्ता स्नेहाशीष मुखर्जी को 2 विकल्प दिए कि उन्हें या तो उच्च न्यायालय जाना चाहिए या इस मामले में दिए गए ज्ञापनों पर गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधान सचिव के जवाब का इंतजार करना चाहिए। बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना जारी हो गई है। इस चरण में विधानसभा के 32 निर्वाचन क्षेत्रों में 16 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। नामांकन पत्र भरने की अंतिम तारीख 28 सितंबर है। अगले दिन नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। उम्मीदवार 1 अक्टूबर तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। LJP ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की दूसरी और अंतिम सूची जारी कर दी है। दूसरी लिस्ट में 9 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने भी 17 सीटों और समाजवादी पार्टी ने 19 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। वहीं हिंदुस्तान अवामी मोर्चा प्रमुख जीतन राम मांझी ने मखदमपुर सीट से आज अपना नामांकन दाखिल किया। यूपी में पंचायत चुनाव का ऐलान सोमवार को कर दिया गया। राज्य में जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत के लिए चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि ये चुनाव 4 चरणों में होंगे। पहले चरण का चुनाव 9 अक्टूबर 2015 को होगा। इस चुनाव में करीब 11.36 करोड़ लोग मतदान करेंगे। पंचायत चुनाव 9, 13, 17 और 29 अक्टूबर को होंगे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी सरकार से डेंगू और मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रमों के लिए नगर निगमों को दी गई राशि का ब्यौरा मांगा है। न्यायालय ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान ये निर्देश दिया है। याचिका में संबद्ध अधिकारियों को ये निर्देश दिए जाने का आग्रह किया गया है कि राजधानी में कोई भी अस्पताल डेंगू के लक्षण वाले मरीज को भर्ती करने से इनकार न करें। साथ ही ये भी मांग की गई है कि इनकार करने वाले अस्पतालों पर कड़ा दंड लगाया जाए। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के करीब टिहरा टनल में बीते 9 दिनों से फंसे 3 में से 2 मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। लंबे समय से बचाव कार्य में लगी NDRF की टीम ने टनल के मुहाने तक ड्रिल कर इन्हें बाहर निकाला। ड्रिल करने के लिए जयपुर से भारी मशीनें मंगाई गई थी। रेस्क्यू में NDRF, सड़क बनाने वाली कंपनी के कर्मचारी व अधिकारी, सेना, फायर ब्रिगेड, स्थानीय प्रशासन व मेडिकल स्टाफ के लोग जुटे हुए हैं। इस महीने की 12 तारीख को 3 मजदूर निर्माणाधीन सुरंग में फंस गए थे। BCCI अध्यक्ष जगमोहन डालमिया का आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस दिग्गज खेल प्रशासक को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, भारतीय क्रिकेट टीम के निदेशक रवि शास्त्री, BCCI सचिव अनुराग ठाकुर और CEO रत्नाकर शेट्टी, सौरव गांगुली समेत कई राजनेता, क्रिकेट बिजनेस और मीडिया जगत की हस्तियां मौजूद थीं। दुनिया भर से पहुंचे लाखों मुसलमान पवित्र हज यात्रा के तहत सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का से मीना की घाटी की ओर कूच कर गए हैं। जायरीन मीना में बसाए गए तंबुओं के अस्थायी नगर में रहेंगे। हज कल से शुरू होगा और शुक्रवार को शैतान को कंकड़ मारने के साथ खत्म होगा। मक्का क्रेन हादसे के चलते सऊदी अरब प्रशासन ने हज यात्रियों के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। इस बार लगभग 1.5 लाख भारतीय हज के लिए गए हैं। पूर्ण धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदलने वाले नए संविधान को मंजूर करने पर नेपाल के कई प्रांतों में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच कई जगहों पर हिंसक झड़पें भी हुई। पुलिस को कई राउंड गोलियां भी चलानी पड़ी। वहीं भारत ने नेपाल को बातचीत के जरिए सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान का सुझाव दिया है।
क्रिकेट प्रेमियों के लिए बीसीसीआई ने एक नई पहल शुरू की है। यदि आप महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो बीसीसीआई के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट और टीम इंडिया के फेसबुक पेज पर #AskDhoni और #AskVirat के हैशटैग के साथ सवाल पूछ सकते हैं। जो सवाल पूछे जाएंगे उनमें से चुनिंदा सवालों के जवाब ये दोनों खिलाड़ी देंगे। ग्रेट ब्रिटेन ने 37 साल बाद डेविस कप के फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल में उसका सामना बेल्जियम से होगा, जिसने 111 साल बाद डेविस कप के फाइनल में पहुंचने में कामयाबी पाई। बेल्जियम ने आज तक कभी डेविस कप नहीं जीता है। इससे पहले बेल्जियम सिर्फ एक बार 1904 में डेविस कप फाइनल में पहुंचा था और तब उन्हें ब्रिटेन के खिलाफ 5-0 से हार का सामना करना पड़ा था।